जिंदगी में हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां सब दूर हो जाएं और हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो में मैसेज शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इतना इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आपको रोजाना देखना चाहिए, और अगर रोजाना ना भी देख पाएं, जब भी किसी मुसीबत में, परेशानी में आप फंसे हों, ये वीडियो जरूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए नहीं कि ये वीडियो मैंने बनाया, लेकिन इसलिए कि इसमें मैं अल्लाह सुभान तआला के कलाम में से कोई ऐसी आयात आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में अक्सर लोग गाफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहला सवाल आज का ये है कि असल में हम खुशी किस चीज़ को कहते हैं। इसके बारे में सोशल साइंटिस्ट ने काफ़ी डिबेट की कि असल में खुशी होती क्या है, लेकिन अगर उस पूरी बहस का अगर आप समराइजेशन देखना चाहें तो वो ये है कि खुशी कहते हैं जब कोई भी काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता है तो इंसान को खुशी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, वहाँ पे दाखिला हो गया, वो खुश हो गया। वो रात को चॉकलेट खाना चाहता था, माँ ने चॉकलेट दे दी, वो खुश हो गया। फ्यूचर में जाके जहाँ वो शादी करना चाहता था वहाँ उसकी शादी हो गई तो वो खुश हो गया। जिस जगह पर नौकरी करना चाहता था वहाँ नौकरी मिल गई तो वो खुश हो गया। यानी कि जब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं तो हमें खुशी मिल जाती है, और जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी में सारे काम जो होंगे वो आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे? अल्लाह सुभान व तआला सूरा यूनस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 62 में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनकी दो खसूसियात हैं जिनका जिक्र अल्लाह सुभान व तआला कर रहे हैं। यानी कि एक तो कहा गया कि ला खौफुन अलैहिम, कि उनको खौफ नहीं होता, और दूसरा उनको गम नहीं होता। तो याद रखिए एक बात कि खौफ हमेशा फ्यूचर की चीज़ों का होता है और गम हमेशा पास्ट की चीज़ों का होता है। यानी खौफ हमेशा उस चीज़ का होता है जो अभी हुई नहीं होती। मसलन मुझे एक जंगली जानवर काट जाएगा, मुझे खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाएगा, मैं इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये सारे खौफ हैं जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। और इसी तरह से गम जब इंसान को होता है तो वो हमेशा किसी पास्ट की चीज़ या माजी की चीज़ के बारे में होता है। मसलन काश के मैंने पढ़ लिया होता तो आज फेल ना होता, काश के मैंने यूं कर लिया होता, काश के मैंने वूं कर लिया होता। यानी इंसान जब भी गम की हालत में होता है तो गम हमेशा गुजरी हुई बात पर किया जाता है, और जब भी इंसान खौफजदा होता है तो वो हमेशा किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में खौफजदा हो रहा होता है। तो अल्लाह सुभान ताला ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप वाकई में अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला अल अलीम भी है और अल हकीम भी है। अल अलीम का मतलब यह है सबसे ज़्यादा इल्म वाला अल्लाह है, अल हकीम का मतलब यह है सबसे ज़्यादा हिकमत वाला अल्लाह है। यानी अल्लाह ताला हमारे से इल्म में भी ज़्यादा है, हमारे से समझ में भी, हमारे से विजडम में भी ज़्यादा है, और हमें शायद किसी भी तस्वीर का एक छोटा सा पिक्सल नज़र आ रहा होता है, और अल्लाह ताला को पूरी तस्वीर नज़र आ रही होती है। हम अपनी लिमिटेड सोच के अंदर अक्सर औकात मसलों को समझ नहीं पाते, जैसा कि सूरह अल-बकरा के अंदर भी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, तुम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को बुरा समझते हो असल में वो तुम्हारे लिए बुरी ना हो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है कि अल्लाह मुझसे ज़्यादा जानता है, अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह की हिकमत मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी की बात नहीं करता, वो अल्लाह की मर्ज़ी की बात करता है। इसीलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये कहा करते थे कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है कि पहले तो जो मर्ज़ी थी वो हमारी थी, लेकिन अब जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से बेहतर है। अल्लाह आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा चाहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपके साथ कोई ऐसा मामला करे जो आपके लिए बुरा है? मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि जब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाना शुरू किया तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया जहाँ पे मेरा बहुत दिल था, और मैंने बड़ी मेहनत भी की, मैंने दुआएं भी बहुत मांगी, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ। पहले एक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया, फिर दूसरी के लिए ट्राई किया, दोनों में नहीं हुआ, और आप यकीन करें मैं इतना डेवस्टेट हुआ, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह कोई नाराज़ हो गया, और मैं ये सोचने लग पड़ा कि अल्लाह मतलब तेरा इतनी बड़ी तेरी कायनात है, इतना बड़ा तेरा कब्ज़ा कुदरत है, और उसमें अगर एक मिस्कीन मेरे जैसा इस यूनिवर्सिटी में चला जाता तो उसमें क्या कमी आ जानी थी। यानी कि अगर मेरे जैसा एक मिस्कीन इंसान उस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता तो आखिर इसमें क्या ही हर्ज था। लेकिन आप यकीन करें कई सालों के बाद मुझे समझ में आया कि उसकी हिकमत क्या थी।
मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में एज अ स्टूडेंट तो नहीं गया, लेकिन बार बार उन यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर ज़रूर गया, लेक्चर्स देने के लिए, टॉक्स देने के लिए, वर्कशॉप्स कराने के लिए। और जिस शान और शौकत के साथ मैं वहाँ पर गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ गया, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मैं उसका डिज़र्विंग तो नहीं था। लेकिन मैंने बाद में जब इसके बारे में गौर किया और सोचा, तो ये ख्याल आया कि वाकई में मैं उस टाइम पर जो सोचता था, अल्लाह का प्लान मेरे प्लान से करोड़ों गुना बेहतर था। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरा पाँव जो है वो चार जगह से टूट गया, और वो इसी तरह से मैं सोचता था इसके बारे में कि आखिर इसमें क्या हिकमत हो सकती है। मतलब नॉर्मल मेरी रूटीन चल रही है, लोगों को पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, पढ़ने का सिलसिला चल रहा है, तो ये जो मेरा पाँव टूटा है, क्या ये ज़रूरी था, क्या ये ज़रूरी था कि ये वाकया पेश आता। लेकिन आप यकीन करें कि उस पाँव टूटने की वजह से 2 महीने में जब बेड रेस्ट पर गया हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ने का मौका मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ, और मुझे मालूम है कि वो मेरे लिए अदरवाइज़ करना पॉसिबल नहीं था। सो अगर आप मुझसे पूछें तो वो 2 महीने जो थे मेरे बेड रेस्ट पे, दे वर सम ऑफ द बेस्ट मंथ्स ऑफ माई लाइफ। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आते हैं कि हम लोगों ने जी CSS का इम्तिहान दिया, नहीं हो सका, कहीं पे शादी करना चाह रहे थे, नहीं हो सक रही वहाँ पे, कहीं और हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बात नहीं बनी, तो हम परेशान होकर बैठ जाते हैं कि पता नहीं ऐसा आखिर क्यों है। कभी कभार औलाद के मामले में हम ये सोचते हैं कि हाय मैं तो बेटे चाहता था, अल्लाह मुझे बेटियाँ क्यों दे रहा है, या मैं औलाद चाहता था, मुझे औलाद क्यों नहीं मिल रही। आप यकीन करेंगे, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी शादी के 18 साल के बाद, 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत छोटे बिजनेस से आगाज़ किया और 10-15-20 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको करोड़पति बना दिया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अल्लाह ताला आपके टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलता, हम अल्लाह ताला के बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं। सो आप अपने तौर पर पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें, अगर तो अल्लाह ताला ने चाहा तो उसी में अल्लाह ताला खैर और बरकत डाल देगा, और अगर अल्लाह ताला ने ऐसा ना चाहा तो ये बात जान लें कि जो भी फैसला अल्लाह का होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन अगली आयात में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं, जो कि ईमान लाते हैं और तकवा अख्तियार करते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ताला इनको खुशखबरियाँ सुनाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप इन आयात को समझ जाएं तो आपको यकीन हो जाए कि जो लोग भी अल्लाह ताला के दोस्त बन जाते हैं, ना फ्यूचर के बारे में उनको टेंशन होती है क्योंकि उनको पता है कि जो फैसला अल्लाह करेगा वो बेहतर होगा, ना पास्ट का गम होता है क्योंकि वो पास्ट के बारे में अगर जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई उनसे तौबा करके आगे आप जा चुके हैं, यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी खुशियाँ देता है और आखिरत में भी खुशियाँ देता है। इंशाल्लाह आई होप कि इससे आपको बात वाजे होगी और अब परेशानी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है ना। टेंशन तो वो शख्स है जिसके साथ अल्लाह ना हो, लेकिन जो अल्लाह का दोस्त है उसको क्या खौफ, उसको क्या गम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी राजा ज़ियाउल हक साइनिंग ऑफ, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।